पाव गढ़ ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर आई हुई है जो कि तमिल लैंग्वेज में है मैंने इस फिल्म को एक हफ्ते पहले देखा था लेकिन इसका रिव्यू देने में देरी हो गई उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि इस फिल्म को देखने के बाद आपके मन में इतनी दुख पैदा होती है कि आप ज़्यादा कुछ इसके बारे में बात नहीं कर सकते इस पूरी फिल्म में चार अलग अलग कहानियों को इन्होंने दिखाया है जो कि काफ़ी बढ़िया है उनमें से पहली कहानी है तंगम जो कि मेरा फेवरेट है देखिए इस कहानी में फ्रेंडशिप की वैल्यू क्या होती है उसको काफ़ी सुंदर तरीके से इन्होंने हमें दिखाया है और इस कहानी के ख़त्म होते होते हमें काफ़ी दुखी महसूस कर देती है ये कहानी उसके बाद इस फिल्म में जिस घटना पर इन्होंने कहानी को दिखाया है वो एक रियल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है या हो चुका है मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है ये कहानी है तंगम की मैं तंगम को देता हूँ फाइव आउट ऑफ फाइव क्योंकि मुझे ये कहानी बहुत ही पसंद आई उसके बाद दूसरी कहानी आती है लव पढ़ना तरणम अगर मैंने टाइटल ठीक से प्रोनाउंस नहीं किया है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मुझे उतनी ज़्यादा तमिल नहीं आती इस कहानी में काफ़ी सारे लोग आपको दिखाई देंगे उनमें से सबसे खास परफॉर्मेंस अंजलि जी की है उनका परफॉर्मेंस इस कहानी में काफ़ी सुंदर और बढ़िया रहा यह कहानी भी मुझे काफ़ी पसंद आई मैं इस कहानी को देता हूँ फोर आउट ऑफ फाई उसके बाद तीसरी कहानी आती है वनमगढ़। इसमें हमको सिमरन गौतम वासुदेव मेहनन जी मुख्य पात्र में नजर आएंगे ये कहानी थोड़ी थ्रिलिंग सी है और थोड़ी सी एक्शन से भी भरा हुआ है इस कहानी का जो अंत है वो मुझे काफ़ी पसंद आया आप जब इस कहानी के अंत तक जाएंगे तब तो आपको एक शॉकिंग सा ट्विस्ट आपको दिखाई देगा ये कहानी भी मुझे काफ़ी पसंद आई मैं इसे देता हूँ फोर आउट ऑफ फाइव उसके बाद लास्ट और चौथी कहानी ऊ रव इसमें साई पल्लवी जी प्रकाश राज जी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे इस कहानी का जो अंत होता है वो भी काफ़ी दुखद है लेकिन जिस तरीके से इन्होंने उसको प्रेजेंट किया है वो काफ़ी मज़ेदार है और ये कहानी भी आपको ज़रूर दुखी करेगी मुझे इन चारों में से तंगम कहानी ज़्यादा पसंद आई और इरगो को मैं देता हूँ फोर आउट ऑफ फाइव अगर आपने ये फिल्म पहले भी देखी है तो आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपकी कौन सी फेवरेट कहानी है वो भी आप नीचे लिखकर ज़रूर बताइएगा धन्यवाद